जी नाइन्थ क्लास, नेक्स्ट आपके पास है काजेज ऑफ फ्रिक्शन, रगड़ की वजूहत। अब इसकी वजह क्या होती है? सो फ्रिक्शन इज ड्यू टू द रफनेस ऑफ सरफेस। ये किस वजह से होती है? किसी भी सरफेस की नाहमवारियत की वजह से। रफनेस मीन रफ हो जाती है, खुरदरी हो जाती है। सो व्हेन वी सी द सरफेस ऑफ द बॉडी विद द नेकेड आई, अगर हम हाली आंख से देखें, सरफेस मे अपीयर टू बी स्मूथ। आपको अगर हाली आंख से ये बोर्ड जो है स्मूथ नजर आ रहा है, बट अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो इसमें क्या होती है, सरफेस स्मूथ नहीं होती। बट वेन वी सी थ्रू माइक्रोस्कोप इट फाउंड द सर्फेस ऑफ ऑल द बॉडी आर रफ। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखें तो तमाम बॉडी की सर्फेस क्या होती है, रफ होती है। रफनेस इज इन द फॉर्म ऑफ टिनी हिल एंड ग्रोव। दीज हिल एंड ग्रोव गेट इंटरलॉक विद वन अनदर। दिस इंटरलॉकिंग अपोजिज द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर अनदर बॉडी एंड गेव राइज टू फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब इसमें क्या कह रही है, इसमें यह होता है कि यहाँ पर आपके पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये वुड की टेबल है, ठीक है, और इसके ऊपर हमने ये एक ब्लॉक रखा हुआ है। अगर देखने में ये बहुत स्मूथ नज़र आ रहे हैं, अगर आप माइक्रोस्कोप से देखें तो इसमें क्या होगा, ये सरफेस कुछ इस फॉर्म में होगी, ठीक है, और इसी तरह ये ब्लॉक भी, वुड का ब्लॉक इस फॉर्म में होगा। इसमें छोटी छोटी पहाड़ियाँ और गड़े से बने होंगे, टिनी हिल एंड ग्रोव्स होंगे, ठीक है। जब ये हम ऊपर नीचे रखते हैं, यहाँ से मैं फोर्स लगाती हूँ, तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाते हैं, एक दूसरे में फंस जाते हैं। इस तरह ही जब एक दूसरे में फंस जाते हैं तो फ्रिक्शन अपीयर होती है, रगड़ का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह जब ये एक दूसरे में धंस जाते हैं, हम इन्हें जोर लगाते हैं, वो जोर किस वजह से होता है, रगड़ की वजह से होता है। तो रगड़ की मेन जो काज है, वजूहात है, मेन वजह हम कह सकते हैं, वो क्या होता है, कोई भी सरफेस जो होती है वो स्मूथ नहीं होती। उसकी स्मूथ ना होने की वजह से ये जो होती है एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है। तो ये थी आपके पास फ्रिक्शन, काजेज ऑफ फ्रिक्शन।